तिकोनिया के ग्राम जसनर में ग्राम पंचायत भवन की हालत बहुत ही खराब है। यहाँ की ग्राम पंचायत में गोबर भरा हुआ है, जानवर बांधे जाते हैं तथा जगह जगह कीचड़ भरा हुआ है। ग्रामीणों का कहना है कि यहाँ से हम लोगों को राशन बांटा जाता है। इसकी शिकायत यहाँ के ग्राम प्रधान बलकार सिंह से कई बार की जा चुकी है, लेकिन बलकार सिंह का कहना है कि जो भी करना है कर लो, लेकिन हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ग्रामीणों का कहना है कि ग्राम प्रधान से इसकी शिकायत कई बार की जा चुकी है, लेकिन प्रधान हमारी एक भी नहीं सुनते हैं। इंडिया 24/7 लाइव टीवी के लिए अजय वर्मा की रिपोर्ट। कहना है कि ग्राम पंचायत में हमारे जो पंचायत भवन बना हुआ है, पुराना बना हुआ है बहुत दिनों का, वो अब जमीन से नीचे हो गया है। उसमें जो ग्राम सभा का जो कोटा आता है उसी में बांटा जाता है। गांव वाले कोटा लेने जाते हैं, पानी भर जाता है, बहुत छीछे लेदर वहाँ पर है, आरी पास में वहाँ गौ बांधे जाते हैं, बहुत दिक्कतें हैं। वो जर्जर हो चुका है, प्रधान से कईयों बार कहा गया, प्रधान एक बात को सुनता नहीं है और हम लोग बहुत परेशानी झेल रहे हैं। अब ग्राम सभा का जो वो पंचायत भवन है वो बनना बहुत जरूरी है, लेकिन ग्राम प्रधान ने पता नहीं क्या ख्याल है उसका, क्या सोचता है, वो कुछ करने के लिए इच्छुक नहीं है। लोग कहते भी हैं, कुछ सुनता नहीं है। पंचायत भवन पे क्या कहना चाहेंगे आप? अरे पंचायत भवन में प्रधान जी की मेहरबानी है कि वहाँ पर इतना कबाड़ मचा हुआ है, जानवर वहाँ रहते हैं, कोई किसी की सुनवाई नहीं हो रही है। योगी जी का राज है, वो ये कह रहे हैं कि जो है हमारा कुछ होने वाला नहीं है। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है और वो होता रहेगा, क्योंकि हम शासन तक पैसा देते हैं, इसलिए सैकड़ों कंप्लेन करने के बावजूद आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई और उसका पैसा भी निकल चुका है, लेकिन उसके बावजूद अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। वो जानवर का घर का अड्डा बना हुआ है, इससे वहाँ पर जो है बीमारियाँ भी फैलती हैं और राशन वहीं पर बढ़ता है, लेकिन प्रधान जी आज तक कभी ख्याल नहीं किया, क्योंकि वो भ्रष्टाचार में इतने लिप्त हैं। वो कहते हैं कि हम अपनी मनमानी का करेंगे, चाहे वो स्कूल की दीवार हो, चाहे ग्राम सभा में आवास का है, चाहे शौचालय का है। वो खुलेआम चैलेंज के साथ कहते हैं कि योगी राज में कुछ होने वाला नहीं है।